India's biggest companies is facing an unprecedented crisis. The Adani Group has lost about $100 billion in valuation in just a week. Following a report from Corporate Hindenburg. Adani Group और Hindenburg Research के बीच जारी वाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. Published a report without making any attempt to contact us or verify the factual metrics. अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग के कोल्ड वॉर के बीच कई सारी रील्स और शॉट्स ऐसी आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि हिंडनबर्ग का जो अटैक है वो अदानी ग्रुप पर नहीं बल्कि पूरी इंडियन इकोनॉमी पर है. और ऐसे में ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि हिंडनबर्ग जो कि एक विदेशी रिसर्च कंपनी है उस पर हम भरोसा भी क्यों करें, क्योंकि वो तो शॉर्ट पोजिशन लेकर प्रॉफिट कमा रही है और इसीलिए पैनिक सिचुएशन तैयार कर रही है. तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक डिटेल्ड रिसर्च वीडियो बनाई जाए जो अंत में आपको ये बताए कि क्या आप हिंडनबर्ग रिसर्च पर भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं. सिंपली यस और नो. नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं और शुरुआत करेंगे हिंडनबर्ग के एकदम शुरुआती टाइम पीरियड से. यूएस में जो बहुत रिच लोग हैं वो जनरली हेज फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और 2014 में नैथन एंडरसन जिसने हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत की वो एक ऐसी कंपनी में काम करता था जो रिच लोगों को हेज फंड से कनेक्ट करवा दे. और इसी बीच एक पर्सन 2014 में नैथन एंडरसन के पास आया और उसने उसे कहा कि प्लैटिनम पार्टनर्स नाम का एक हेज फंड है और मुझे ये पता है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, तुम थोड़ा इसका रिसर्च करो. नैथन को शुरुआत से ही रिसर्च करने में बड़ा मज़ा आता था और वो उसके इंटरेस्ट की चीज़ थी, तो उसने सोचा कि चलो प्लैटिनम पार्टनर्स का डिटेल रिसर्च करते हैं. तो रिसर्च करते करते उसे पता चला कि प्लैटिनम पार्टनर्स की जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो एक ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है जिस पर एक बहुत बड़ी क्रिमिनल केस चल रही है. फिर उसे आगे ये भी पता चला कि उन्होंने फ्लोरिडा के एक बहुत बड़ी पोंजी स्कीम में इन्वेस्ट किया है जिसके चलते प्लैटिनम पार्टनर्स अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दे रही है. उस टाइम प्लैटिनम पार्टनर्स करीब 8000 करोड़ का फंड मैनेज कर रही थी और उन्होंने अपने इन्वेस्टर को सालाना 17% के रिटर्न्स दिए थे. अब ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी और नैथन को ये पता चला कि ये गलत कंपनीज में इन्वेस्ट करके गलत जगह से पैसा ला रहे हैं और ये जो रिस्क है इसमें इसके बारे में उनके इन्वेस्टर को कुछ भी नहीं पता. अगर वो पोंजी स्कीम पकड़ी जाती है तो प्लैटिनम पार्टनर्स के इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन ये चीज़ इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं थी. तो जैसे कि अभी हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाई है कई सारे एलिगेशंस लगाते हुए, वैसे ही रिपोर्ट उन्होंने उस टाइम प्लैटिनम पार्टनर्स पर बनाई जो कि 67 पेजेस की थी. अब वो रिपोर्ट लेकर नैथन कई सारे लोगों को बताने लगा कि प्लैटिनम पार्टनर्स में गड़बड़ है. उसने प्लैटिनम पार्टनर्स के कई सारे इन्वेस्टर्स को भी इसके बारे में बताया, लेकिन कोई उसे सीरियसली ले नहीं रहा था, क्योंकि लोग आपको तभी सीरियसली लेते हैं जब आप या तो सक्सेसफुल हैं या फिर आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और नैथन के पास फिलहाल ये दोनों भी चीज़ें नहीं थी. तो ऐसे में वो सोच रहा था कि क्या कुछ ऐसी हो सकती है जिससे ये सारी चीज़ें सामने आए. तो ऐसे में उसके जो मेंटोर थे, गुरु थे, हैरी मार्कोपोलस, उससे जाकर वो मिला. हैरी मार्कोपोलस वही शख्स है जिसने बर्नी मैडोफ को जो पोंजी स्कीम है जो कि 68 बिलियन डॉलर की थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम कहलाई जाती है, उसे एक्सपोज किया था. तो हैरी ने उसे एक लॉयर से मिलवाया. तो हैरी ने उसे बताया कि जो SEC है, अब SEC क्या होती है कि जैसे इंडिया में बैंक्स को RBI रेगुलेट करती है, उसी तरह इंडिया में जो कैपिटल मार्केट है, ये सब म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन सारी चीज़ों को जो रेगुलेशन है वो आता है SEBI के अंडर, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. और SEBI की तरह ही US में एक रेगुलेटर है जो US कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करते हैं, जिनका नाम है SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन. तो ये जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है SEC, ये टाइम टू टाइम एक विसल ब्लोअर प्रोग्राम रखते हैं जहाँ पर वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कई सारी कंपनीज के फ्रॉड को बाहर ला सकती है. तो बदले में इनको क्या मिलता है, 30% तक का फाइन कलेक्शन. तो अगर आप SEC के पास जाते हो और कहते हो कि ये जो ABC कंपनी है इसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए. तो अगर आपने जो एलिगेशन लगाए हैं वो अगर इन्वेस्टिगेशन में सही साबित होते हैं तो जितना भी फाइन SEC उस कंपनी से कलेक्ट करेगा उसका अप टू 30% आपको मिलेगा. तो यहाँ पर जो मॉनेटरी बेनिफिट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कई सारे लोग उस मीटिंग में जाकर अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं. हालांकि इंडिया में इस तरह के जो मॉनेटरी बेनिफिट्स है वो उतने खास नहीं है, इसीलिए जो विसल ब्लोअर एक्टिविटीज़ है इंडिया में वो भी काफ़ी लिमिटेड है. तो नैथन ने क्या किया, अपनी 67 पेज की जो रिपोर्ट है उसे लेकर वो उस विसल ब्लोअर प्रोग्राम में चला गया और वहाँ पर उसने SEC से कहा कि ये मेरे आरोप हैं और मुझे पूरी गारंटी है कि ये सही साबित होंगे. फिर SEC ने उस पर इन्वेस्टिगेशन चलाया और सही में ये सारे फ्रॉड साबित हुए. तो अब इसके बाद नैथन खुश था कि उसे अप टू 30% का फाइन कलेक्शन मिलेगा. 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लेकिन नैथन को कोई भी पैसा नहीं मिला. 1-2 साल वेट करने के बाद नैथन को पता चला कि जो SEC की जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है,
ऐसे में मॉनेटरी बेनिफिट्स लेना काफ़ी लेट हो रहा है। अब साल आ गया था 2017 में नैथन की जो आर्थिक हालत थी वो भी काफ़ी नाजुक हो चुकी थी। उसके लैंडलॉर्ड ने उसे अपने अपार्टमेंट से जाने के लिए कह दिया क्योंकि पेमेंट रेगुलरली नहीं हो पा रही थी। और फिर नैथन भी सोच रहा था कि मेरी तो पैशन है कि रिसर्च करना और कंपनी के जो फ्लॉ है वो दुनिया के सामने लाना, लेकिन मैं इसे मोनेटाइज कैसे करूं? अगर विसल ब्लोअर प्रोग्राम के जरिए जाता हो तो वहां पर तो कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तभी उसे पता चला कि वो एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग कंपनी शुरू कर सकता है। अब ये एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है? तो ये कंपनीज जनरली किसी लिस्टेड कंपनीज पर रिसर्च करती है। देखिए, इस तरह की कंपनीज कभी भी प्राइवेट कंपनी पर रिसर्च नहीं करती है, यानी कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है तो उस पर ये कंपनीज अपना रिसर्च नहीं करती है। क्यों, उसके बारे में आगे बताता हूँ। जैसे कि अभी रिसेंटली इंडिया में गो मैकेनिक का अकाउंटिंग फ्रॉड हुआ, तो उसके बारे में ना पहले किसी ने बात की ना बाद में ज़्यादा किसी ने बात की, और इस तरह की अकाउंटिंग फ्रॉड्स प्राइवेट कंपनी में तो काफ़ी रेगुलर है। लेकिन अगर कोई कंपनी पब्लिक है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो उसको ये कंपनीज टारगेट करती है। अब कैसे, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये जो भी एक्टिव शॉर्ट सेलिंग कंपनीज है ये पहले बहुत डिटेल रिसर्च बनाती है, लेकिन एक चीज़ का इनको ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो रिपोर्ट बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर वो रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं है तो फिर ये जो एक्टिविस्ट कंपनी है ये कभी भी डूब सकती है, क्योंकि ये जो एक्टिविस्ट कंपनी है ये किसी कंपनी पर रिसर्च करती है, उसके बाद उनके फ्रॉड्स, स्कैम्स और बाकी जो अकाउंटिंग की रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें एक्सपोज करती है, और एक्सपोज करने से पहले उस कंपनी में शॉर्ट पोजिशन लेती है। शॉर्ट पोजीशन मतलब सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए कि जब हम जनरल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कम प्राइस में हम शेयर खरीदते हैं और ज़्यादा प्राइस में जब हम बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में उल्टा होता है, शॉर्ट सेलिंग में जितनी प्राइस गिरेगी उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो ऐसे में जो एक्टिव शॉर्ट सेलिंग कंपनीज है ये अपना रिसर्च रिपोर्ट इस तरह से बनाती है कि जिसके रिलीज होने के बाद ही उसकी शेयर प्राइस गिरना शुरू हो जानी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन अगर ये शेयर प्राइस नहीं गिरती है या फिर ऊपर चली जाती है तो ऐसे में इन कंपनीज को बहुत भारी भक्कम नुकसान होता है। जैसे कि नॉर्मल स्टॉक मार्केट में तो हमें मैक्सिमम लॉस जो है वो 100% का ही होता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आपका नुकसान कितना भी हो सकता है। मतलब कि आपने 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपका 5-10 लाख का भी नुकसान हो सकता है, यानी जो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे काफ़ी ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए एक बहुत रिस्की गेम है, और इसलिए जो एक्टिव शॉर्ट सेलिंग कंपनीज है, इस बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है पता है? अगर ये एक बार भी बहुत बड़े तौर पे गलत साबित हुए तो इनका बिजनेस खत्म है। यानी कि जैसे कि इन्होंने अदानी ग्रुप पर एलिगेशंस की है, अगर ये गलत साबित होती है तो क्या होगा? तो लोग आगे से हिंडनबर्ग पर भरोसा करना बंद कर देंगे, तो आगे चल के जब हिंडनबर्ग की कोई रिपोर्ट आएगी लोग उसे सीरियसली लेंगे ही नहीं, और फिर वो शेयर्स को बेचेंगे ही नहीं, तो हिंडनबर्ग को शॉर्ट सेलिंग से फायदा कैसे होगा? तो हिंडनबर्ग यहाँ पर अकेली कंपनी नहीं है जो इस मॉडल पर काम करती है। वॉइसरॉय रिसर्च नाम की भी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इस मॉडल पर काम करती है, और कई सारी कंपनीज धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है जो इस मॉडल पर काम करती है, क्योंकि इसके लिए आपको किसी और पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप अपना रिसर्च कर रहे हैं और उसके साथ ही शॉर्ट सेलिंग पोजीशन लेके आप उसे शॉर्ट करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ओवरऑल ये बिजनेस मॉडल एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके रिसर्च रिपोर्ट की एक्यूरेसी, अगर वह है तो पैसा बना पाएंगे, और एक बार भी बड़े तौर पे अगर वो गलत हो गई तो आपका बिजनेस खत्म है। अब नैथन ने ये तो फाइनलाइज कर लिया था कि हमें इसी बिजनेस मॉडल से जाना है और पैसा कमाना है, बिकॉज बाकी मॉडल्स उसके काम नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में उसने क्या किया कि 2017 में सीकिंग अल्फा वेबसाइट पर वो चला गया। सीकिंग अल्फा एक इन्वेस्टमेंट वेबसाइट है US की, जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कई सारे डिस्कशंस करते हैं, उससे अपडेट रहते हैं। तो सीकिंग अल्फा पर उसने पोस्ट डाली, लेकिन अपने नाम से नहीं डाली, उसने हिंडनबर्ग रिसर्च नाम से डाली, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं खुद के नाम से डालूंगा तो कोई मुझे सीरियसली नहीं लेगा, लेकिन अगर मैं कोई रिसर्च कंपनी बनाऊंगा और उसके नाम से पोस्ट करूंगा तो शायद लोग मुझे सीरियसली ले सकते हैं। जिसमें उसने लिखा कि एक बायोटेक कंपनी है जिसने अचानक अपना पूरा बिजनेस क्रिप्टो करेंसी में पिवोट कर लिया है और अपना नाम भी बदलकर राइट ब्लॉकचेन रख दिया है। साथ ही उसने ये भी बताया कि इस कंपनी का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है उसका नाम है बैरी हॉनिक, जो कि पम्प एंड डम में सबसे बड़ा किंग है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में। जैसे ये पोस्ट डाली, कई सारे लोगों ने इसे सीरियसली लेना शुरू किया, और फिर SEC ने उस रिपोर्ट के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और उस इन्वेस्टिगेशन में राइट ब्लॉकचेन और उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर बैरी हॉनिक दोनों भी दोषी साबित हुए, और फिर यही से नैथन को अपना पहला ब्रेक थ्रू मिला। अब नैथन का कॉन्फिडेंस हालांकि काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन इस कंपनी में नैथन ने कुछ खास प्रॉफिट नहीं बनाया था। उसका जो बहुत बड़ा प्रॉफिट आया था वो आया था उसके अगले रिसर्च से, निकोला से। निकोला कॉरपोरेशन हिंडनबर्ग रिसर्च का पहला सबसे बड़ा शिकार था, और यहीं पर नैथन एंडरसन ने सबसे ज़्यादा पैसा भी कमाया। लेकिन फिर सवाल आता है कि हिंडनबर्ग ने निकोला को एक्सपोज कैसे किया?
तो उसके लिए हमें पहले उसकी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी समझनी होगी। निकोला जो है वो एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप है जो कि हैवी ड्यूटी कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है, और साल 2000 से 2020 तक उन्होंने कई सारे व्हीकल के कंसेप्ट प्रेजेंट किए। फिर आया साल 2020 जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा किया कि हिंडनबर्ग की नज़र उन पर पड़ी। 2020 में उन्होंने डिसाइड किया कि हम पब्लिक मार्केट में लिस्ट होंगे, यानी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे, लेकिन आईपीओ के जरिए नहीं, रिवर्स आईपीओ के जरिए। अब ये रिवर्स आईपीओ क्या होता है? देखिए, जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है आईपीओ, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। यानी अगर आपकी कंपनी पैसा रेज करना चाहती है पब्लिक से, तो आप इस प्रोसेस के जरिए पब्लिक से पैसा भी रेज कीजिए और इन द प्रोसेस आप स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी हो जाइए। अब रिवर्स आईपीओ में क्या होता है कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में जो एक शेल कंपनी है उसके साथ मर्ज हो जाती है और उस तरह से स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी हो जाती है। अब इसमें उन्हें लोगों से पैसा रेज करने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही इस प्रोसेस में जो कॉस्ट लगती है वो भी कम है और टाइम पीरियड भी बहुत कम लगता है। 3-4 महीने में पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है, जबकि आईपीओ में आप देखते हैं जनरली 8-9 महीने का टाइम लग जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये कंसेप्ट तो काफ़ी नया है, ये शायद लगता है कि यूएस में ही है, लेकिन आपको बता दूं कि गोदरेज सोप्स और आईसीआईसीआई, ये दोनों कंपनीज भी रिवर्स आईपीओ के जरिए ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो जब रिवर्स आईपीओ की बात आती है तो कई बार क्या होता है कि कंपनी की उतनी इनडेप्थ इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास नहीं होती है जितनी आईपीओ के जरिए अगर कोई कंपनी आती है तो उसकी होती है। तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होने की वजह से शुरुआत में इनके वैल्यूएशंस काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट सामने आते हैं तो वैसे वैसे कंपनी की असलियत सामने आती है। जैसे कि आप इसी कंपनी का एग्जाम्पल लीजिए, लॉर्डस्टाउन मोटर्स, ये भी रिवर्स आईपीओ के जरिए यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। शुरुआत में इसका जो वैल्यूएशन था वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे इसके रिजल्ट सामने आए तो इन्वेस्टर्स को पता चला है इस कंपनी में तो कुछ दम है नहीं, और इसीलिए 85% से उसकी शेयर प्राइस गिर गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक रिवर्स आईपीओ इसी तरह का होगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वैल्यूएशन का प्रॉब्लम आता ही आता है, और यहीं पर हिंडनबर्ग ने इसे टैप कर लिया। तो करीब 80,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर यह कंपनी स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रही थी। तभी कंपनी के फाउंडर ने ऐसी स्टोरी फैलाई कि हम एक बहुत ही एनवायरमेंटली ट्रक लाने वाले हैं जो कि पूरे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को बदलने वाला है, साथ ही हम पूरे अमेरिका में हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल स्टेशन लगाने वाले हैं जिससे कार्बन का तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने स्टोरी को इस तरह से बताई कि 80,000 करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कुछ ही महीनों में 2,00,000 करोड़ से ऊपर चला गया। अब इतना ज़्यादा वैल्यूएशन होने के बाद हिंडनबर्ग का तो डाउट और बढ़ने लगा, और फिर इन्होंने अपना डिटेल रिसर्च शुरू किया जिसमें इन्हें पता चला कि निकोला अपने हर एक ट्रक पर H2 लिखती है जो कि ये बताती है कि ये सारे हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक्स हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सारे नेचुरल गैस पर चलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, निकोला ने ये कहा है बार बार कि हमारी जो इन्वर्टर है वो हमारी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है खुद की। लेकिन हिंडनबर्ग ने ये भी प्रूव करके दिखाया, ये जो इन्वर्टर्स हैं इन्हें कैस्केडिया मोशन नाम की कंपनी ने बनाए हैं, और इसके साथ ही जो वीडियो जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा जो ट्रक है काफ़ी फंक्शनल है, उस लोकेशन पर जाकर उन्होंने ये भी पता किया कि एक डाउनहिल एरिया में इसकी टेस्टिंग की गई थी और उसका फिर वीडियो लिया गया, जबकि एक्चुअल में इनके ट्रक्स रेडी नहीं है। जब ये रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक की, अगले ही दिन निकोला की जो शेयर प्राइस है वो 30% से गिर गई। और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि निकोला पूरी तरह से झूठ से भरी हुई कंपनी है, और कंपनी के फाउंडर ने बस झूठ फैला फैला कर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाया है। लेकिन फिर क्या ये सारी चीज़ें सच साबित हुई? इसमें से कई सारी चीज़ें सच साबित हुई, जिसके चलते निकोला की शेयर प्राइस $60 से $2 पर आ गई और कंपनी के फाउंडर ने भी कंपनी से रिजाइन कर दिया। अब यहाँ पर नैथन एंडरसन ने बहुत हेविली इस कंपनी को शॉर्ट किया था और उतनी ही हेविली उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट भी कमाया। तो अगर हम हिंडनबर्ग की वेबसाइट पर जाते हैं तो 17 अलग अलग रिसर्च इन्होंने अलग अलग कंपनीज पर की है, जिसमें से कई सारी केसेस में गवर्नमेंट एजेंसीज ने उनकी रिपोर्ट के बाद उन कंपनीज पर उनके फाउंडर्स पर एक्शन ली है, इंक्लूडिंग निकोला, और इसमें से कई सारे उनके जो रिसर्च के पॉइंट्स हैं वो सही भी साबित हुए हैं। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि इन्होंने जो बताया है कि 17 कंपनीज है, 17 की 17 सही आई है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इनका जो रिसर्च अब तक का ये 100% सही है? नहीं, एक्चुअली एक कंपनी ऐसी है जिसको इन्होंने अपनी वेबसाइट पर नहीं दिखाया है, और यहाँ पर जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी अलग थे, और इस कंपनी का नाम है माइक्रोविजन। जब हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला कि 22 दिसंबर 2020, यानी आज से करीब 2 साल पहले, हिंडनबर्ग ने बहुत सारे ट्वीट किए, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि माइक्रोविजन जो कि लेजर बीम टेक्नोलॉजी पर काम करती है उस कंपनी में कुछ नहीं है, वो एक खोखली कंपनी है जिसके पास ना ही कोई पेटेंट है ना ही कोई रेवेन्यू, 25 सालों से कंपनी बस काम कर रही है लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीब करीब 8,000 करोड़ का है, और ऐसे में हम ये मानते हैं कि कंपनी में श्योर शॉट 80% डाउनसाइड है। तो जैसे ही रिसर्च रिपोर्ट आया अगले दिन क्या हुआ होगा? अगले दिन कंपनी की शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, उसके अगले दिन और ज़्यादा, और अगले 2 महीनों में ये शेयर प्राइस 200% से बढ़ गई,
और यहाँ पर हिंडनबर्ग को भारी भक्कम नुकसान हुआ क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली थी। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई? यहाँ पर एक तो टाइमिंग की गड़बड़ थी और रिसर्च की भी गड़बड़ थी। कंपनी ने हिंडनबर्ग ने तो बताया कि माइक्रोविजन के पास कोई पेटेंट नहीं है, लेकिन जैसे रिसर्च रिपोर्ट आई उसके आसपास ही कंपनी को एक पेटेंट मिल गया और इस पेटेंट मिलने के बाद शेयर होल्डर्स काफ़ी खुश हो गए और कंपनी की शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ओवरऑल अगर हिंडनबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उनका सक्सेस रेट ऑफकोर्स 60-70% से तो ज़्यादा ही है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी है जहाँ पर उनका जो रिसर्च है वो सही साबित नहीं हो पाया है। हिंडनबर्ग की तरह वॉइसरॉय रिसर्च भी इसी तरह काम करती है और उनका भी सक्सेस रेट कुछ इन्हीं की तरह है। तो उनका जो हर कोई रिसर्च रिपोर्ट आता है उन्हें आप ट्रस्ट कीजिए नहीं कीजिए वो अपना सवाल है, लेकिन उन्हें आप इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि इनमें से कई सारे रिसर्च रिपोर्ट्स के बाद असलियत इन्वेस्टर्स के सामने आई है। तो हिंडनबर्ग का जो पूरा कच्चा चिट्ठा है वो तो मैंने अब आपके सामने रख दिया है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप हिंडनबर्ग पर ट्रस्ट करेंगे या फिर नहीं, यस और नो। और मैं अगले एक घंटे के लिए कमेंट सेक्शन में रहूंगा आपकी क्वेरीज और आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हमें सपोर्ट करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह के रिसर्च हम आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।